हाउ टू स्प्लिट स्क्रीन इन इन्फिनिक्स नोट 10। सो इन्फिनिक्स नोट 10 में यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन फीचर का किस तरीके से यूज़ करना है और इसे अप्लाई करना है। स्प्लिट स्क्रीन अप्लाई करने के लिए इन्फिनिक्स नोट 10 में आपको बेसिकली किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की कोई नीड नहीं है। इसमें ही आपको एक बिल्ट इन फीचर मिल जाता है जिसके थ्रू आप इजीली स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन बेसिकली यह है क्या, अगर आप एक ही एंड्रॉयड मोबाइल में दो दो एप्लीकेशन को एक साथ एक्सेस करके यूज़ करना चाहते हैं, सो इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस स्प्लिट स्क्रीन फीचर इन योर इन्फिनिक्स नोट 10। आजकल के जितने भी सारे स्मार्टफोन हैं उनमें आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर बिल्ट इन ही मिलता है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन है आज से ठीक 3 साल पहले वाला, यानी कि जो 2018 में मैन्युफैक्चरिंग होते थे, वो सारे स्मार्टफोन्स में आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर बिल्ट इन नहीं मिलता था, ये उसके बाद आना स्टार्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास एक ही एंड्रॉयड मोबाइल है और आप एक ही एंड्रॉयड मोबाइल में दो दो एप्लीकेशन को ऑपरेट करना चाहते हैं तो इससे आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, टाइम सेविंग होता है और आप दोनों का मिक्स साथ कर ले पाते हो, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल आई गेस। सो लेट्स से यहाँ पर इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में जिस एप्लीकेशन को आप दो दो यानी कि ओपन करके यूज़ करना चाहते हैं इन्फिनिक्स नोट 10 में, उस एप्लीकेशन को पहले आपको ओपन करना है। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सारे एप्लीकेशन सपोर्टिव नहीं है, यानी कि जो एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा है या तो जो एप्लीकेशन का एल्गोरिदम जो कोडिंग सिस्टम है वो ज़्यादा एकदम हाई ग्राफिकल वाला है तो वो एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। सो कीप इन माइंड, तो कुछ एप्लीकेशन सपोर्ट करती हैं तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं करते। गेमिंग एप्लीकेशन तो यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी अगर आप स्प्लिट स्क्रीन करना चाहते हैं तो। तो लेट्स एग्जांपल मेरे केसेस में यहाँ पर मैं ओपन करूँगा गूगल प्ले स्टोर। ओके, गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक और एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो सेकंड ओपन करता हूँ वो ओपन करता हूँ फेसबुक, एज यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन को, दोनों एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली जो मिडल में ऑप्शन है ये इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। बैकग्राउंड क्लोज नहीं करना, ये एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में शो हो रही है। अब उसके बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक ड्रॉ वाला ऑप्शन दिखेगा, एज यू कैन सी, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में ड्रॉ वाला एक ऑप्शन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देन इसके बाद आपके इन्फिनिक्स नोट 10 में स्प्लिट स्क्रीन का फीचर इजीली अप्लाई हो जाएगा, एज यू कैन सी दैट। उसके बाद डायरेक्टली आपको रोटेशन अप्लाई कर देना है। रोटेट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे आपको ऑपरेट करने के लिए इजी पड़ेगा। सो एज यू कैन सी दैट, सो लेफ्ट साइड में है गूगल प्ले स्टोर और राइट साइड में है यहाँ पर हमारा फेसबुक। तो गूगल प्ले स्टोर पर आप एप्लीकेशन सर्च करते करते राइट साइड में फेसबुक में आप चैटिंग कर सकते हैं या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्प्लिट स्क्रीन है ये आपके लिए तभी एकदम स्मूथ होगा जब आपके मोबाइल का रैम ज़्यादा होगा। अगर आपके मोबाइल का रैम 4 GB तक होगा तो ऐसे में आपको बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्प्लिट स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए, या तो बीच बीच में ये स्टॉप भी हो जाएगा, बिकॉज आपके मोबाइल पहली बार तो पुराना है और उसके बाद आपके मोबाइल में पहले से कई सारी फाइल स्टोर है जिसकी वजह से आपका रैम कंज्यूम है। अब उसके बाद भी आप स्प्लिट स्क्रीन अप्लाई करेंगे जो ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है तो ऐसे में आपको बीच में हैंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दैट्स, अगर आपका मोबाइल नया है देन 4 GB रैम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका मोबाइल 6 GB रैम का होगा तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि ये जो है इन्फिनिक्स नोट 10 6 GB रैम का है यह स्मार्टफोन, तो इसमें मैं ईजिली इसको रन कर पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इस काइंड ऑफ वेरी यूजफुल फीचर, दैट्स इट। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको इसे डिलीट कर देना है। तो जो स्प्लिट स्क्रीन है वो बंद हो जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, दैट्स इट। तो फिर से आपका जो मोबाइल है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरीके से आप और भी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि लेट्स एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और एप्लीकेशन चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं मैसेंजर चूज़ कर लेता हूँ। मैसेंजर चूज़ कर लिया, डायरेक्ट बैक गया।
बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं एक और कोई एप्लीकेशन चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे मैं यूट्यूब चूज़ करता हूँ। ओके दैट्स इट। अब डायरेक्टली आपको बैक वाला ऑप्शन पे टैप करना है, ये फ्रॉम हियर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगा, ये यूट्यूब एंड मैसेंजर एप्लीकेशन। सो बस अप्लाई करने के लिए फिर से आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पे टैप करना है, एंड इसके बाद फिर से आपको यहीं पे क्लिक करना है, देन यू आर रेडी टू गो, एज यू कैन सी दैट। सो ऑब्वियसली बात है, ऐसे में आपका जो चैटिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपका बढ़ जाता है, और फिर एक साइड में अभी हम चैट भी कर सकते हैं मैसेंजर पर, और दूसरे साइड में हम यहाँ पर यूट्यूब को भी ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वॉट एवर देट वॉन्ट टू डू दैट। बट इसके अलावा अगर लेट्स एग्जांपल अगर आपको ये बिल्ट इन फीचर इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा है और आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्टली आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन सर्च करना है। तो जैसे आप स्प्लिट स्क्रीन सर्च करेंगे यहाँ पर आपको कई सारी ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल मिल जाएगी जो स्प्लिट स्क्रीन फीचर का ही काम करती है। तो ऐसे में आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इसे अप्लाई करने के लिए। सो आई होप ये जो प्रोसेस है आपको मतलब पूरा का पूरा क्लियर है किस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन को अप्लाई करना है। और यहाँ पर जैसे इन्फिनिक्स नोट 10 में सिर्फ ये स्प्लिट स्क्रीन ही नहीं, इन्फिनिक्स नोट 10 में आपको ऐसे और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको कम्प्लीटली यूनिक लगेगा। जो अब तक के जितने भी सारे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स आए हैं उनमें आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता था। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 से 3 फीचर है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है पिक प्रूफ वाला, एज यू कैन सी ये पिक प्रूफ, ये बेसिकली आपके कंटेंट को हाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। यानी कि कुछ कंटेंट है जो आप लोगों से हाइड करना चाहते हैं जब भी आप लाइव हो सबके साथ, तो ऐसे में आप स्क्रीन को इस तरीके से, आपके स्क्रीन को ये इस तरीके से लाइनिंग कर देता है, उसके बाद आप बाकी के जो रेस्ट स्क्रीन है उसे आप इजीली इस तरीके से ब्लैक कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो जितना कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं उतना ही कंटेंट लोगों को दिखेगा, उसके अलावा बाकी का पूरा हाइड हो जाएगा। अगर आपको फिर से इसे ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है और इसके साथ ये जो स्क्रीन है ये पूरी तरीके से ऐसा हो जाएगा। ये मतलब नॉर्मली है, अगर आपको किसी से कुछ हाइड करना है सो इन दैट केस यू कैन यूज़ इट। तो ये एक तरीके से आपके डिवाइस को और आपको सिक्योर रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये कंपनी इंटरेस्टिंग है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको इस इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के रिलेटेड कुछ भी ऐसा अनबॉक्सिंग रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए या कुछ भी ऐसा फीचर्स वाइज में अगर आपको रिलेटेड चाहिए तो इसका जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी कवर किया है, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट इन माय वीडियो सेक्शन एज वेल। तो यहाँ पर अगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गेमिंग एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है कि नहीं स्प्लिट स्क्रीन फीचर के लिए, तो यहाँ पर अभी देखो गेमिंग का एग्जांपल है, जैसे कि ये गेम है मोर्टल कॉम्बैट का, ये गेम है। अगर मैं इस पर टैप करूँ, टैप करने के बाद यहाँ पर मैं एक और गेम चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर मैं फ्री फायर चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 2 गेम चूज़ किया, पहला है मोर्टल कॉम्बैट और सेकेंड वाला है फ्री फायर। अब यहाँ पर गेम लोड हो रहा है एज यू कैन सी। अब देखते हैं कि इसमें स्प्लिट स्क्रीन अप्लाई होता है कि नहीं, तो यहाँ स्प्लिट स्क्रीन ये में एप्लीकेशन एलिजिबल है या नहीं कैसे आप चेक करेंगे, इसके लिए आपको डायरेक्टली यहीं पे जाना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला जो आइकन है लॉक का एक आपको आइकन दिखेगा। जहाँ पर भी आपको लॉक का आइकन दिखता है दैट मीन्स वो स्प्लिट स्क्रीन के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको ड्रॉल ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ये फ्री फायर आप इजीली प्ले कर सकते हैं,
लेकिन जो मोर्टल कॉम्बैट है उसमें आपको ये ड्रॉ वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो जो एप्लीकेशन में आपको ड्रॉ वाला ऑप्शन दिखेगा नहीं, दैट में समझ लेना कि वो एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में अप्लाई नहीं हो सकती है। तो ये सारे नॉर्मल से सेटिंग्स से जो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ गया किस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन करना है इन्फिनिक्स नोट 10 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।